सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो, हम बात कर रहे थे कल पास्ट परफेक्ट के बारे में। इससे पहले हमने बीच में पोएम भी पढ़ी थी और पोएम के मैंने स्टेंजाइज भी करवा दिए आपको, बाकी स्टेंज हम आपको आज डाल देंगे। देखो, हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। हमने पास्ट परफेक्ट कंप्लीट कर लिया, साथ में करेक्ट फॉर्म भी कर दी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो एक सेंटेंस देखिए, उससे पता लग जाए कि आप कितना सीख पाए। तो सेंटेंस आपके लिए, माय मदर रिपीयर्स टी। क्या सेंटेंस है? माय मदर रिपीयर्स टी बिफोर। फिर दिया आपको यहाँ पे फादर, और इसे ब्लैंक दे दिया। उसके बाद में दिया आपको यहाँ ब्रैकेट में दिया आपको कम फ्रॉम ऑफिस। क्या आएगा बच्चों बताइए, क्या आएगा बता दीजिए। फ्रॉम दबी लगा कम ऐसे फ्रॉम द ऑफिस। बताओ क्या आना चाहिए इसमें, जल्दी बताइए। सेंट है आपके पास माय मदर प्रीपीएस टी बिफोर फादर कम फ्रॉम द ऑफिस। आपने क्या पकड़ा? बिफोर बताया था मैंने, बिफोर आफ्टर। लेकिन एक बात नहीं बताई थी आपको, वो सीख लो आज। अगर मान लीजिए बिफोर से जस्ट पहले या बाद में, ध्यान रखना, अगर बिफोर से पहले या बाद में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बच्चों। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए पहले आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बिफोर के बाद में जो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी ना, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। समझ में बात आप? अरे बात समझ में, ये लॉजिक याद रखना। लेकिन हमने इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? इधर देखो, दोनों में डिफरेंस बताऊँ मैं आपको। जैसे लिखा हमने माई मदर प्रीपेयर, या ऐसे दे दिया मैंने आपको, ऐसे लैंग दे दिया। फिर दिया हमने प्रीपेयर दिया, उसके बाद में टी बिफोर फादर कैम फ्रॉम द ऑफिस। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस? दोनों में डिफरेंस देखो, इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पर तो आ रहा है प्रीपीएस। अगर मैं इसी को दूसरी टाइप से लिखूँ इस प्रकार से कि माय मदर, उसके बाद में हैड प्रिपेयर टी बिफोर फादर, और लिखा है यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया कम फ्रॉम द ऑफिस। देखो डिफरेंस, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। पहला सेंट है हमारे पास माय मदर प्रीपीएस टी बिफोर फादर के। इससे पहले क्या देखा आपने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है बच्चों, यानी कि सेकंड फॉर्म नहीं आ रही, न हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। आप जानते हैं कि वर्ब में जब भी एस या और ईएस का यूज होता है, टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल। आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ पर देखो, इधर आप इस सेकंड सेंटेंस में इसके जगह यहाँ आपको दे दिया हेड प्रिपेयर्ड। इसका मतलब हेड किस में आता है? पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में आएगी, तो पास्ट परफेक्ट है ये तो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल वर्ब में यस या यस लग रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल। क्लियर है आता है? अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो बिफोर या आफ्टर कुछ भी आ जाए, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार प्रेजेंट सिंपल टेंस भरा जाता है बच्चों। तो देखो यहाँ पे कम आ गया, फादर सिंगल है, इसका मतलब कम्स आ जाएगा यहाँ पे। क्या जाएगा? कम्स, इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पे, इसको मैंने दो टू टाइप से बना दिया आपके लिए। टू टाइप कैसे? माई मदर
प्रीपेयर्ड, उसको प्रिपेयर करो टी बिफोर फादर केम। अब यहाँ पे देखो आपको पास्ट सिंपल टेंस मिल गया, और मैंने आपको बात बताई थी कि परफेक्ट में क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट में एक तो चलेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, दूसरा चलेगा सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में, और वो बात वो भी कि यहाँ पे देखो हुआ ना सेकंड फॉर्म है जी, किसमें चला गया पास्ट सिंपल में, समझ रहे हो बात को, यानी कि आपने क्या किया ये देखा कि हमारे पास बिफोर भी आ गया या आफ्टर भी आ गया, जस्ट बाद में हमारे पास क्या आया सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई है, कौन सी फॉर्म सेकंड फॉर्म। अब आप जानते हो अगर दूसरे सेंटेंस बिफोर के बाद में क्या रहा है हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ध्यान रखो बिफोर से पहले क्या करेंगे हेड और हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है, तो भर दीजिए आप हेड लगाया और प्रीपेयर्ड हो जाएगा बच्चों से आगे बात समझ में, ऐसे बनेगा। दूसरे में आपको कम्प्लीट दे रखा है उसके बाद ये कम का सेकंड फॉर्म गेम कर देंगे, इतना सा लॉजिक देखना है, आ रही बात समझ में। देखो तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, एक सेंटेंस और दे दूँ, चलो देखते हैं एक और सेंटेंस बैठा दो, चलो वेरी गुड। अब देखिए आ गया नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपके लिए बहुत लॉजिक सेंटेंस है, ध्यान रखना इसमें, इसमें अब सारे व्यक्ति कंफ्यूज होता है और जो इसको सीख गया वो हजार में लाखों में उभर जाएगा, इस बात का ध्यान रखना ठीक है बच्चों। देखो ये लॉजिक है ना, हर कंपनी आते ये बताते हैं आपको, देखो जैसे लिखा मैं आपके लिए सी लर्न उर्दू, क्या दे यहाँ पे सी लर्न उर्दू बिफोर, ध्यान कितना रखना है इस बात का ध्यान रखना है, हमारे पास मेन लॉजिक यही है बिफोर आफ्टर का, अरे बात समझ में किसका बिफोर आफ्टर का, उसके बाद में आप देखो यहाँ दे दिया हमने सी, फिर दे आपको इस प्रकार से गो दे, उसके बाद देखो जैसे टू स्कूल, अब सेंटेंस देखो आप डिफरेंस देखो, इसको टू टाइम से बनाते हैं, इसी को दिया हमने आपको सी ऐसे ब्रेक आपको ब्लैंक दे दिया, फिर दिया हमने लर्न, फिर लिखा आपके लिए उर्दू ऐसे, उसके बाद में दिया आपको बिफोर, और उसके बाद में दिया सी, और फिर दिया आपको यहाँ पर गोज और टू स्कूल, टू स्कूल एक सेंटेंस हो गया। इसी को मैं तीसरी टाइप से लिखता हूँ, सी फिर दिया आपको लर्न, फिर दिया उर्दू बिफोर सी वेंट टू स्कूल, डिफरेंस देखिए आप इसमें, बड़ा लॉजिक है, आनंद आएगा आप उसको देखने में। देखो इधर क्या लिखा फर्स्ट में, सी लर्न उर्दू बिफोर सी गो टू स्कूल, देखो ये बिफोर आ गया हमारे पास आया ना, बिफोर के जस्ट पहले हमारे पास क्या रही है यहाँ पे देखो, ये ओनली लर्न यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या रियस जुड़ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमने एस लगा दिया, लग गया। अब देखो जब ऐसा लगेगा तो बिफोर से पहले यदि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ध्यान रखना बिफोर के जस्ट बाद में हमारे पास क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना, तो क्या करेंगे गोज लिख देंगे, आ रही बात समझ में, क्यों सी हमारे पास क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखा हमने गोज यूज कर दिया। आगे देखिए आप लोग दूसरा सेंटेंस हमारे पास, देखो सेम सेंटेंस मैंने थ्री टाइप की ये लिए, देखो सी लर्न उर्दू बिफोर गोज सी गोज टू स्कूल, अब देखो अब की बार क्या किया मैंने बिफोर के जस्ट बाद में यहाँ पर गोज यहाँ लगा दिया, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इसके बाद में लगा दी, तो प्रोसेस वही है, अगर इसको समझ गए इसको आराम से समझाओगे तो इससे पहले भी क्या आएगी वही लर्न बराबर बेटर बैठा ही नहीं बैठा हाँ पलड़ा बराबर हो गया, देखो कंपेयर अच्छी होगी दोनों में। अब देखो इधर सी लर्न उर्दू बिफोर सी वेंट, अब देखो यहाँ पे बड़ा लॉजिक आ गया हमारे पास, कौन सी फॉर्म आई सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म कौन सी टेंस में आती है पास्ट में, अब देखो आगे पास्ट सिंपल में, अब वेंट आ गया तो इससे पहले क्या करोगे आप, यदि मान लीजिए हमें बिफोर या आफ्टर के जस्ट बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है तो समझ जाओ
कि वह हमारा पास परफेक्ट टेंस ही होगा, तो उससे पहले क्या भरेंगे हम, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनने आप भर दीजिए, हेड लगाया और लर्न कर दिया, इस प्रकार से अरी बात समझ में, लर्न पे देता है और लर्न दोनों प्रकार से उसकी वर्ब सही होती है, इस बात का ध्यान रखना। आगे बात समझ में आए कि नहीं आए, चलो अब सीखते हैं आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किसके बारे में बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो ये पास्ट का हमारा लास्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बाद फ्यूचर पे चलेंगे हम। देखो बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, इसके बारे में अच्छे से आज बात करेंगे। देखो करते इस पे खुल के बात, आज आपको प्रेजेंट में बताया गया कि ऐसा काम जो आपने एक काम तो पूरा किया, प्रेजेंट में क्या पढ़ा था कि एक काम तो आपने क्या किया, पूरा किया, पूरा करने के बाद में आपने क्या किया, दूसरा काम स्टार्ट कर दिया, क्या किया आपने, एक काम तो क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, आफ्टर देर उसके जस्ट बाद में आपने क्या किया, एक काम को स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट तो कर दिया लेकिन वो काम लगातार जारी है, ये तो क्या हो गया हमारा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करी। लेकिन पास्ट में क्या होगा, वही पास्ट वाली बात कर देंगे कि आपने कोई काम कल स्टार्ट किया था, अरे बात समझ में, वो तो पूरा कर लिया एक तो, लेकिन उसके जस्ट बाद में आपने एक काम और स्टार्ट किया था कल, उसके बारे में आज क्या करोगे आप, अभी बताओगे प्रेजेंट में। तो कहने का मतलब पास्ट की बात भी किस में करते हैं, प्रेजेंट में रह के तो करेंगे, कि पास्ट की बात किस में करते हैं, प्रेजेंट में रह के करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये अच्छे से याद रखना है कि यदि हमारे पास एक काम पास्ट में कंप्लीट कर लिया हमने तो दूसरा स्टार्ट हो रहा हो, लेकिन ये कन्फर्म ना हो कि कब पूरा होने वाला है, तो ऐसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं हमारे, पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे बात समझ में, चलो वही पहचान लिख लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद में बनाते कुछ सेंटेंस हिंदी वाले टेंस में, फिर करेक्ट फॉर्म देखेंगे। तो आप रेडी हैं, करें स्टार्ट, आगे आइए देखते हैं। इधर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी बात कर रहा है। आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, आइडेंटिफाई इसकी पहचान होगी हमारे पास है कि समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे अथवा बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था या पड़ा हुआ था, आदि शब्द आते इस बात का ध्यान रखना। तो आपने आइडेंटिफिकेशन क्या देगी इसकी, कि हमारे पास पहचान क्या होगी, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे। आगे बात समझ में, अब देखो इसके बारे में पहले हम क्या लिखते हैं, अब देखो एक बात ध्यान रखना है, इसमें भी क्या करेंगे हम, यानी कि टाइम को डेफिनेट करने के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे, सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करेंगे, फॉर का, वो हम बात कर चुके हैं प्रेजेंट में भी। अब यहाँ पे देखो, इधर देखो कि इस टेंस में टाइम निश्चित करने के लिए सिंस फोर का उपयोग किया जाता है, किसका करेंगे, सिंस फोर का यूज किया जाता है। आज बासमन में क्या बोला मैंने आपको, दोबारा देखिए क्या करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम को निश्चित करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं भाई, सिंस और फोर का। आपको प्रेजेंट ने बताया मैंने, सिंस का यूज़ करते हैं हम किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसके लिए करेंगे भाई, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे इसका यूज़। आगे बात समझ आई मीन
निश्चित समय के लिए, बार बार बता रहा हूँ इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग क्या होगा, निश्चित समय के लिए। लेकिन किसने देखो आप फोर देखे थे बच्चों, फोर आर साइलेंट रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, इसके लिए क्या करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम का यूज करेंगे बच्चों, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये आपने देखा कि सिंस का यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फोर का यूज किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। हिंदी में बात कर लूँ देखो, निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए, आई मीन समय अवधि के लिए। आगे बात समझ में, बाकी सारी बातें बता चुका हूँ मैं आपको, जिस प्रकार सिंस मॉर्निंग लिखते हैं है, टू जैसे टू हावर्स लिखते हैं, आपको सारी बात बता रखी है मैंने, वो देखो अच्छे से देखना होगा। अब देखो आगे, अब बनाते हैं सेंटेंस, कुछ रेडी है, चलो करते हैं स्टार्ट सेंटेंस। पहले क्या लेंगे, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बारे में बात करते हैं पहले। पैटर्न क्या होगा देखो, पहले क्या लाएंगे आप, सब्जेक्ट, आफ्टर देन फिर लाना है आपको हेड, फिर लाना है आपको बीन, फिर लाना है आपको वही वर्ब में आईएनजी, फिर लाना है हमें ऑब्जेक्ट, फिर लाना है हमें सिंस फॉर्म, फिर लाना है हमें प्लस टाइम, क्या लाओगे टाइम। बस ये आपका पैटर्न बन गया। अब बनाएंगे कैसे सेंटेंस, वही जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाया, बस वहाँ हैव यूज करते थे या था यूज कर लेंगे, बाकी प्रोसेस सेम रहेगी। कैसे किया, सेंटेंस लिखा आपके लिए, मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था। अब जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस पहले ईजी वाला देखो आप, क्या किया मैंने आपके लिए, यहाँ पे ध्यान दो रहा था, लेकिन यहाँ समय आ गया हमारे पास कब से, सुबह से, आया कि नहीं आया। पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई, बता दिया। आई के जस्ट बाद में क्या लाना है आपको, हेड रख दीजिए, फिर क्या लाना है आपको, बेन रख दीजिए, बेन के बाद में क्या लाना है आपको, वर्ब में आएंगी, बताओ मुझे वर्ब काम का क्या हो रहा है, बताओ मुझे, इंतजार करना, क्या करना, इंतजार करना, इंतजार करने को क्या बोलेंगे, वेटिंग, क्या बोलेंगे बच्चों, वेटिंग, किसका, उसका, वेटिंग हिम। लड़कियों की तो क्या लिखेंगे, हर, वही में यूज किया। जस्ट बाद में क्या लाना है आपको, देखो फिर लाना आपको सिंस फॉर, कब से, सुबह से, क्या लिखोगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लिखोगे, सिंस मॉर्निंग। आगे बात समझ में आया कि नहीं आया समझ में, देखो इधर दोबारा, पहले हम सब्जेक्ट लाए, आफ्टर देन हमने हेड का यूज किया, हेड आएगा तो बीन अवश्य आएगा, और बीन आएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, आई मीन वर्ब में आएंगी आएगा। ऑब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद में हमने सेंस फॉर का यूज कर दिया और लिख दिया। एक सेंटेंस में आपको देते हैं और फिर आप बनाइएगा उसे, दिया आपको सेंटेंस, मैं नहीं लिखू, हम 2016 से यहाँ रह रहे थे। क्या लिखा आपके लिए, हम 2016 से 2016 से यहाँ रह रहे थे। अब देखो सबसे पहले तो इस चीज को देखो, रहे थे इसका मतलब किसमें गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे देखो समय आ गया हमारे पास, आया कि नहीं आया, इसका मतलब किसमें चले गए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्या करेंगे, पहले लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम, हमको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी बोलेंगे, क्लियर है तक। जस्ट बाद में क्या लाना है, हेड बीन रख दीजिए, हेड बीन,
अब क्या करना है, वर्ब में आईएनजी का यूज करना है। अरे बात समझ में, वर्ब में आईएनजी कैसे, अब देखो वर्ब क्या है, रहना, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, और लगा दो आईएनजी, क्या हो जाएगा, लिविंग। चलो आज हम आपको आईएनजी लगाने के नियम के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। देखो इधर, वी हैड बीन लिविंग, फिर कहाँ पर, यहाँ की बात रिप्लेस, किसका मतलब हम लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे, हियर। अरे बात समझ में, और कब से, 2016 से, तो क्या लिखेंगे, सिंस 2016। आगे बात समझ में, इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। अब मेरी बात सुनो आप अच्छे से, अब आपको अफर्मेटिव खुद सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव में क्या करोगे, थर्ड स्थान पे नोट लाओगे, इंटरोगेटिव में क्या करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लाओगे, जस्ट बाद में क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लाओगे आप, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लाना है, जस्ट थर्ड स्थान पे क्या लाना है, आपको नोट लाना है। अरे बात समझ में, नोट लाने के बाद से हम परसों हुए चलेंगे डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में, हम कल बात करके करेक्ट फॉर्म की बात करेंगे। तो आज आपके लिए इतनी क्लास रखते हैं आज की, उसके बाद हम कल देखेंगे। तो आज के लिए क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं, अच्छे से देखना इनको, लिखना जरूर। ओके बच्चों, थैंक्स।